इधर भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए लगभग 164 करोड़ की स्वीकृति दी गई है और स्टार्टअप वाले जितने भी लोग हैं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेने पर 50,000 और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेने पर 1.5 लाख की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार देगी। रीवा में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके उसके विस्तार के लिए लगभग 160 करोड़ का खर्च किया गया है, स्वीकृति दी है और मुझे लगता है कि 164 करोड़ की, और इससे रीवा क्षेत्र के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके विस्तार में वहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि सब शहडोल और रीवा संभाग का एक सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वही है, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे प्रदेश में चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के नौजवानों ने स्टार्टअप में देश में एक अच्छा उच्चतम स्थान बनाया है, पर उनकी एक समस्या थी कि जब भी वो अपने प्रेजेंटेशन को लेकर कहीं जाते थे तो अन्य राज्यों में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता था, हमारे यहाँ नहीं मिलता था। तो हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर राष्ट्रीय स्तर में लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा, वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।